Hare Krishna. So welcome to another session on Bhagavad Gita. Now today we are going to cover chapter number 16. Aur is chapter ka shirshak hai Dev Asur Sampad Yog. Sampad matlab qualities. So the divine and demoniac natures, yani qualities kya kya hoti hain. So uske baare mein charcha karne wale hain. Kyunki last adhyay mein charcha hui thi, there is spiritual world, there is material world, aur gyan chakshu jo jinke paas hota hai wo adhyatmik jagat ko dekh paate hain, samajh paate hain. Jinke paas charma chakshu hote hain wahin pe reh jate hain. So, कौन लोग हैं जो कि संसार के अंदर ही घूमते फिरते रहते हैं और आध्यात्मिक जगत की ओर नहीं जा पाते. सो मोर ऑफ देयर क्वालिटीज, ताकि हम लोग इंट्रोस्पेक्ट कर सकें यार हम किस कैटेगरी में आते हैं, यार हम ये नीचे वाले हैं ऊपर वाले हैं भाई. तो इसीलिए अब भगवान डिटेल में बताएंगे व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द पीपल हु आर डिमोनिक इन नेचर एंड हो एंड ऑल दोस हु आर हैविंग डिवाइन नेचर. तो एंड देन वी कैन डू इंट्रोस्पेक्शन सर हम कौन सी कैटेगरी में. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. भगवान ने कहा हे भरत पुत्र निर्भयता. ओके सो बेसिकली यहाँ बताने वाले कि व्हाट आर द डिवाइन क्वालिटीज, यानी ऐसी क्वालिटीज जो कि बेसिकली दे आर बॉर्न ऑफ गुडनेस मोड ऑफ गुडनेस. और अगर वो क्वालिटीज हम डेवलप करेंगे देन वी कैन गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, यानी मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने में वो क्वालिटीज हमें हेल्प करने वाली हैं. सो वी शुड कल्टिवेट दीज क्वालिटीज. ओके तो ये क्वालिटीज भला क्या क्या है. सो ये भरत पुत्र निर्भयता फियरलेसनेस. फियरलेस का मतलब ये नहीं दैट वी बिकम इंसल्टिंग रूड स्ट्रेट फॉरवर्ड. कभी कभी होता क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के नाम पर हम लोग इंसल्टिंग हो जाते हैं. मैं तो ही मुंह में बोल देता हूँ बस सीधे सीधे. फियरलेस, बिकमिंग फियरलेस डज नॉट मीन दैट वी बिकम इनसेंसिटिव. फियरलेस का मतलब है बेसिकली हम भयभीत नहीं होते अबाउट से कॉन्सिक्वेंसेस की मेरा क्या होगा. नहीं कोई चीज़ अगर करनी है तो हमें करनी है, दैट्स इट, वी शुड गो फॉर इट. सो निर्भयता, ठीक है. जैसे श्री प्रभुपाद जी एट द एज ऑफ 70 ही वेंट टू अमेरिका टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकॉज ही वॉज फियरलेस. उनका नाम भी क्या था अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. अभय, सो दैट इज कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो होते हैं वो अभय होते हैं, निर्भय होते हैं, लाइक दैट. ओके निर्भयता, सो दिस वन मोर वन डिवाइन क्वालिटी विच इज रिक्वायर्ड. आत्मशुद्धि, दैट मीन सेल्फ प्यूरिफिकेशन. सेल्फ प्यूरिफिकेशन मतलब है द प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस. क्योंकि कॉन्शियसनेस हमारी दुखी है हमारी, क्योंकि वो दूषित हो रखी है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस जो है क्योंकि वो दूषित है. तो इसीलिए माइंड भी एक्ट करता है ना दूषित वे, इंटेलिजेंस भी काम करती है ना दूषित वे, ईगो भी काम करती है ना दूषित वे, एंड ऑल दी एक्टिविटीज आर दूषित बिकॉज आत्मशुद्धि नहीं हुई. सो आत्मशुद्धि मतलब आत्मा की शुद्धि. अब आत्मा तो शुद्ध है तो भला दूषित क्या है, दूषित है चेतना. सो कॉन्शियसनेस को भी प्योर करना जरूरी है, दैट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड. आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, यस. सो मटीरियलिस्टिक नॉलेज तो हम लेते ही हैं लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज का भी अनुशीलन करना, ना सिर्फ सुनना समझना बल्कि उसका पालन भी करना. किसी ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से आप भला ऐसे क्यों चलते, प्रभुपाद जी ऐसे चला करते थे. वुड हैव हिज हेड रेज्ड. सो समबडी आस्क्ड हिम, सो स्वामी जी व्हाई डू यू वॉक विद योर हेड रेज्ड. प्रभुपाद जी ने कहा बिकॉज आवर फिलोसफी इज हाईएस्ट. और फिर प्रभुपाद जी ने कहा बट देयर इज वन थिंग व्हिच इज हायर देन द हाईएस्ट फिलोसफी एंड दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ दिस हाईएस्ट फिलोसफी. तो जो भक्ति का सिद्धांत है सबसे ऊंचा सिद्धांत है लेकिन इस ऊंचे सिद्धांत का पालन करना ये उससे भी ज्यादा ऊंचा है. सो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना, यस. ओके उसके बाद फिर दान भी उसी से करना जो कि मेरे को खुशी देता है, मेरे आनंद के लिए है, उसका दान करना. जो मेरे काम का नहीं है भाई, हमारे वैसे काम का नहीं है, पकड़ाओ इनको, पकड़ा दो भाई, ले लो भैया दान ले लो. हाँ ऐसा दान उसको नहीं बोलते. दान वो चीज़ होती है बेसिकली दैट विच इज देयर फॉर माई सेंस एंजॉयमेंट, दैट वॉज देयर फॉर मी एक्चुअली, पर मैं अपने हिस्से से जो मैं देता हूँ दैट इज दान. देना चाहिए, कली बोले दान नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल है, कुछ कर लेंगे दान नहीं देंगे जी. एक समय 2000 रुपए के नोट और 10 के नोट जब बात चल रही थी, सो 2000 रुपए के नोट ने बोला कि अरे तू टुच्चा 10 का नोट, मेरे आगे 3-3 जीरो लगे, तू तो तेरे आगे सिर्फ एक ही जीरो लगा है, सब जगह अपन का राज है रे. 10 के नोट ने कहा एक ऐसी जगह है जहाँ हमारा राज है, जहाँ तुम तो दिखते भी नहीं बेटा, और वो है मंदिर की हुंडी. मंदिर की हुंडी में लोग से 10 के नोट ही डालते हैं. दान कौन कर पाता है जी, 10 का नोट मार्केट का रिजेक्टेड वही डालेंगे. सो दान करना बड़ा मुश्किल है कलयुग वालों के लिए. दान, सो विशेष रूप से जो गृहस्थ भक्त हैं उनको दान करना चाहिए, जो गृहस्थ लेंगे उसको दान करना चाहिए बिकॉज दे वर्क आउटसाइड तो दे आर ऑल्सो अर्निंग सम काइंड ऑफ कर्मा. दान करना चाहिए, विशेष रूप से भगवान की सेवा में दान करना चाहिए. लोग सोशल कॉज के लिए दान कर देते हैं लेकिन मंदिर के लिए दान नहीं करते, कहते अरे मंदिर क्या है जी, ये तो ऑन द नेम ऑफ बीइंग सेक्युलर, यू नो वी आर सो सेक्युलर. सो लेकिन आप देखें तो बाकी लोग एनकरेज करें अपने धर्मों को, इन द सेंस व्हेन देयर क्रिश्चियनिटी में दे मेक सो मेनी चर्चेस. आई व्हेन आई वाज इन यूएस आई कुड सी इन एवरी 2 किलोमीटर देयर इज अ ब्यूटीफुल चर्च एंड दे स्टिल आर देयर मेकिंग चर्चेस. सो मॉस्क बन रही हैं लेकिन जब मंदिर की बात आती है कहते वेल वी आर सेक्युलर, यू नो लेट्स नॉट मेक टेंपल्स.
secular means equal respect for everyone. So we should also go for spiritual cause. For temple construction we should give, for prasadam distribution we should give. So that means we should give daan. Daan dena chahiye, especially for the spiritual cause. That's very important. Atma sanyam, we should do self-control. Okay? Aisa nahi ki jo main to hum manmoji hai ji, jo manwa tha kar lete hain. Ye sir bahut achhi baat nahi hai, bahut hi kharab baat hai. Ye wo sochna ki main to manmoji hu, I do what I want man. Jo mera man chahta na मैं कर लेता हूँ. मैं तो आत्मसंयम लेके आना चाहिए. अगर सब अगर ऐसे जीने लग जाना जो मेरे मन में आया, मैं तो कर लेता हूँ. दिस वर्ल्ड विल बिकम फॉरेस्ट, जंगल हो जाएगा ये, जहाँ पर जिसको जो मन कर रहा कर रहा है. बिकॉज पीपल आर डूइंग आत्मसंयम टू सम एक्सटेंट. दिस वर्ल्ड इज अ सिविलाइज्ड प्लेस. सो इसीलिए आत्मसंयम करना चाहिए. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. मन को, अपनी बुद्धि को, अहंकार को खींच रखना, ए गलत जा रहा है, वापस. ओके, यज्ञ परायणता यानी कि भगवान की सेवा में पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए. तो दैट इज वी शुड बी रेगुलेटेड इन वर्शिपिंग द लॉर्ड. वेदाध्ययन, वी शुड ऑल्सो रीड द स्पिरिचुअल नॉलेज. वेद अध्ययन, शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए. शास्त्र जो है वो शस्त्र हैं जो अज्ञानता को काट देते हैं. तो हमें वेद अध्ययन भी करना चाहिए, इसके लिए टाइम निकालना चाहिए. पीपल डू नॉट हैव टाइम नाउ डेज कि ना बहुत बिजी रहते हैं जी. जिस चीज़ को प्रियोरिटी मिलेंगे ना उसके लिए टाइम भी निकालेंगे हम लोग. सो एवरी डे से फॉर जस्ट 15 मिनट्स इफ यू टेक आउट फॉर एग्जाम्पल, दैट्स ऑल्सो ओके, अ गुड बिगिनिंग आई वुड से. सो वेद अध्ययन करना चाहिए, पता तो लगे भाई हम कहाँ से हैं, किनके हैं, हम क्यों जी रहे हैं भाई. सो वेद अध्ययन यानी कि जो वैदिक शास्त्र हमारे, दे आर द मैनुअल्स ऑफ लाइफ. तो इसलिए मैनुअल्स को हमें पढ़ना चाहिए. नहीं बुढ़ापे जाके पढ़ेंगे जब आंखों में होगा मोतियाबिंद और मुंह में जब दांत नहीं होंगे और पेट में आंत नहीं होगी, तो बाबू जी फिर कैसे पढ़ोगे आप. सो दैट वेज वेद अध्ययन हमें करना चाहिए. नॉट दैट वेन वी जब आड़े टेढ़े हो जाएंगे देन ओके. सो वेद अध्ययन करना चाहिए, साथ तपस्या भी हमें करनी चाहिए. वी शुड टेक सम ऑस्टेरिटी फॉर स्पिरिचुअल परफेक्शन, ये भी हमें करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एकादशी का व्रत रखना है, इस काइंड ऑफ तपस्या करनी चाहिए. हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है. मन बहुत कहेगा नहीं यार कुछ और करते हैं, कुछ और वैरायटी वाला करना है. लिसन टू द होली नेम, लिसन लिसन लिसन. ये तपस्या एक तरह की करनी चाहिए हमें. और क्या जी तपस्या बात, सरलता, सिंप्लिसिटी. यस, हमारे आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोला करते थे, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है. भक्ति करने के लिए बहुत ही अनुकूल है उन लोगों के लिए जो कि ना बहुत सरल होते हैं. दे नेचुरली टेक टू पाथ ऑफ भक्ति. जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना वो कुछ ना कुछ लगे रहेंगे, भक्ति करूँ ना करूँ, इसमें जाऊँ उसमें जाऊँ, नहीं एक बार वो ट्राई करता हूँ. एवरीथिंग इज सिंपल. सिंगिंग हरे कृष्णा सिंपल, चैंटिंग हरे कृष्णा सिंपल, डांसिंग ऑन हरे कृष्णा सिंपल, रीडिंग श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम सिंपल, डिवोटीज एसोसिएशन सिंपल, सब कुछ तो सिंपल ही है सर. तो डिफिकल्ट क्या है, टू बी सिंपल, दैट इज डिफिकल्ट. ओके, तो हमें सरलता का जीवन जीना चाहिए. अहिंसा, नॉन वायलेंस. व्हेन वी आर नॉट टेलिंग पीपल अबाउट कृष्णा दैट इज वायलेंस, ताकि लोग संसार में सड़ते रहेंगे भाई. सो टेलिंग पीपल अबाउट कृष्णा, भगवान के बारे में लोगों को बताना, दैट इज अहिंसा. तो अहिंसा का पालन करना चाहिए. अफकोर्स धर्म की रक्षा करने के लिए कभी हिंसा करनी पड़े देन वी मे डू दैट, बट अहिंसा का रियल मतलब है टेलिंग पीपल अबाउट गॉड, दैट्स रियल कंपैशन, वो करुणा है वास्तव में. ठीक है जी, अहिंसा, सत्यता, ट्रूथफुलनेस. सो कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, इस दुनिया के अंदर क्या रिलेटिव ट्रूथ, बट स्टिल वी शुड ट्राई टू बी ट्रूथफुल एज मच एज पॉसिबल. ठीक है जी, ओके. क्रोध विहीनता, गुस्सा क्या है, कहते हैं एंगर इज वन स्टेप शॉर्ट ऑफ डेंजर. सो दैट मीन्स वी शुड नॉट बिकम एंग्री. जितना ज्यादा हम गुस्सा करते हैं ना उससे हमारी तपस्या नष्ट होती है एक्चुअली, तो इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए. अफकोर्स अगर कभी किसी को सुधारना हो वी मे डू दैट, लेकिन उसमें रेगुलेटर अपने हाथ में होना चाहिए. ये नहीं गुस्सा आया और बड़बड़ 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 बड़ बोल दिया, ना 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 ऐसा नहीं करना चाहिए. गुस्सा दो तरह का होता है, एक होता है ग्रज, ओके, विच इज वेरी इम्प्लोसिव, अंदर ही अंदर होता है. एक होता है एक्सप्लोसिव एंगर, एक होता है इम्प्लोसिव एंगर. इम्प्लोसिव एंगर इज ग्रजिंग, कुड़ना, वो भी नहीं करना चाहिए, उससे भी तपस्या नष्ट होती है. एंड एक्सप्लोसिव एंगर, अबे तुम्हारी तो एक्सप्लोसिव एंगर. सो क्रोध विहीनता का मतलब भाई इम्प्लोसिव एंगर एक्सप्लोसिव एंगर दोनों से बचना चाहिए हमको भाई. ओके, एंड देन त्याग, सैक्रिफाइस भी करना चाहिए दूसरों के लिए. और विश्वास मानिए त्याग का सुख भोग से भी भोग के सुख से भी अच्छा है. लेकिन त्याग कौन कर पाता है, जो अपने आप में बड़ा पूरा होता है, जो पूर्ण होता है ना, ऐसा व्यक्ति त्याग कर पाता है. एंड इन दिस वे ही एक्सपीरियंसेस हायर ब्लिस. द ब्लिस ऑफ गिविंग इज हायर देन ब्लिस ऑफ अचीविंग. इससे कई बड़े बड़े लोग जैसे जैसे बिल गेट्स हैं, ही हैज डिसाइडेड दैट 90% ऑफ हिज वेल्थ ही वुड गिव इन चैरिटी. ही इज जस्ट गिविंग 10% टू हिज डॉटर मेलिंडा गेट्स,
बाकी सारी 90% क्या चैरिटी में, बिकॉज ही ऑल्सो रियलाइज दैट द ब्लिस ऑफ गिविंग इज हायर देन ब्लिस ऑफ अचीविंग. तो हमें देना चाहिए, त्याग करना चाहिए, औरों के लिए त्याग करना चाहिए. पूरा जगत अगर ऐसा हो जाएगा ना, वाओ, द वी विल एक्सपीरियंस वैकुंठ हेयर इटसेल्फ. जैसे रामायण के अंदर देखिए, सब एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे हैं. लक्ष्मण जी ने त्याग किया राम जी की सेवा में, सीता मैया ने त्याग किया राम जी की सेवा में, उर्मिला ने त्याग किया जो लक्ष्मण जी की वाइफ है, लक्ष्मण जी की सेवा में. सब ने एक दूसरे के लिए त्याग किया. भरत जी ने पूरे अयोध्या का जो राज सिंहासन उसका त्याग किया राम जी की सेवा में. सो दैट मींस एवरीवन इज डूइंग त्याग. वाओ. एंड देन रामायण इज रामायण बिकॉज इट इज फुल ऑफ भक्ति एंड इट इज फुल ऑफ सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर. त्याग करना चाहिए, शांति का अनुभव भी करना चाहिए. राइट. मन का स्वभाव क्या अशांत. मन काम डाउन मैन, काम डाउन. जो है फिलहाल उसमें संतुष्ट होना सीखो. शांति. छिद्रानवेशन में अरुचि, जैसे फॉल्ट फाइंडिंग. छिद्रानवेशन, हर छोटी छोटी चीजें फॉल्ट देखना, फॉल्ट देखना, बिकॉज ये मन का स्वभाव है फॉल्ट देखना. पूरी सफेद चद्दर के अंदर अगर एक यहाँ स्पॉट पड़ा हुआ ना, दृष्टि कहाँ जाएगी, स्पॉट के ऊपर. तो किसके अंदर अगर 99 अच्छी क्वालिटीज हैं, एक गलत क्वालिटी ना, वहाँ स्वभाव क्या जाएगा, वहीं पर जाएगा. दैट्स इट. ये मन की क्वालिटी है. जैसे मन में कहीं दांत में सौ फंसी होती है ना, जीप कहाँ जाती है, जब आप बारह वहीं जाती हैं. तो हुआ क्यों यार, मैं वहाँ से जा रहा था तो सामने से गाड़ी आ रही थी, जी बाबा वहीं जाएगी जहाँ सौंफ फंसी हुई है. वैसे ही हमारा स्वभाव है, मन का स्वभाव है. बाकी सब अच्छा भी होगा ना, जहाँ सौंफ फंसी हुई है, जहाँ फॉल्ट है हल्का सा, वहाँ फंसे रहना. दैट्स इट. तो इसलिए ये फॉल्ट फाइंडिंग ये हमें नहीं करनी चाहिए. ऑफकोर्स नॉट. हर व्यक्ति के अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं. एक समय द्रोणाचार्य जी जब पांडवों के साथ थे, तो एक बहुत ही एक कुत्ता था जो कि ना बहुत ही कोड़ी था. मतलब उसकी स्किन बहुत गंदी थी, उसकी एक आँख जो थी वो टूटी हुई थी, बाहर आई हुई थी. वेरी वेरी डिसफिगर्ड काइंड ऑफ डॉग. सो द्रोणाचार्य ने पूछा अर्जुन इसमें क्या क्वालिटी तुमको नजर आ रही है. अर्जुन ने बोला इसके दांत बहुत सुंदर है, इसके दांत एकदम वाइट दांत है इसके. तो उसकी बॉडी में से देखिए अच्छी क्वालिटी, दैट वॉज द वाइट टीथ. तो वो अर्जुन ने हाईलाइट किया. सो सेम हमारा भी होना चाहिए. हो सकता है किसी के अंदर कुछ अगर इतना सुंदर नहीं, बट जो उसमें अच्छा है ना, उसको हमें फैन करना चाहिए. उसमें 1% क्वालिटी को हम फैन करेंगे और उसकी चिंगारी को हम आग बना देंगे, तो उस आग में क्या होगा, उसकी जो 99% बुरी क्वालिटी जल के भस्म हो जाएंगी. दिस हाउ वी शुड डील विद पीपल, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट कि उनमें कमी क्या है, बुला करके स्क्रू करना, पेच कसना, दैट्स नॉट गुड. ओके. समस्त जीवों पर करुणा, वी शुड शो कंपैशन. कंपैशन दो अब जो है बॉडी के लेवल पे भी होता है, गरीबों को खिलाना, अनाथ आश्रम खुलना, अच्छी बात है, ये भी करना चाहिए, नो डाउट. लेकिन साथ में बॉडी के साथ साथ सोल का भी ध्यान रखना चाहिए. बाय गिविंग अदर्स भक्ति, द नॉलेज अबाउट डिवोशन टू गॉड, दैट इज अ टॉप मोस्ट चैरिटी. जो फिजिकल चैरिटी होती है उससे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, पर परमानेंट रिलीफ मिलता है व्हेन वी गिव स्पिरिचुअल चैरिटी. सो वी शुड आस्क पीपल टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस. सो दैट इज कंपैशन, ये करुणा है वास्तव में. ओके. लोभ विहीनता, देयर शुड नॉट बी एनी ग्रीड. अगर ग्रीड रखनी भी है, अगर लॉलियम अगर रखना है, तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने को लेकर के, हरि कथा को लेके लॉलियम, हरि नाम को लेकर के लॉलियम, ये होना चाहिए हमारे अंदर. दैट काइंड ऑफ लॉलियम विल लिबरेट अस. संसारी चीज़ों के पीछे जो लॉलियम में रहेंगे, मर जाएंगे हम. सो लॉलियम की सही एप्लीकेशन भी है, हियरिंग अबाउट कृष्णा, टॉकिंग अबाउट कृष्णा, चैंटिंग हिज होली नेम्स, ये तृष्णा होनी चाहिए हमारे अंदर, ये लोभ हमारे अंदर होना चाहिए. दैट विल बी वेरी गुड. लॉलियम एकम अपि मूल्यम, भक्ति में आगे बढ़ने का एक ही कीमत है, वो है लॉलियम. Intense greed to achieve it. Yes, that's the right application of greed. All right, so lobh vihinta, but lobh for hari katha and hari naam, that's very good. Bhadrata, that is one should be very civilized, cultured. Aise jeevan jeena hame, wo karna chahiye. The way we deal with people, we should be very bhadra, we should be very civilized, respectful. That's also good. Lajja, thodi sharm haya bhi honi chahiye. Not that on the name of being liberal. Hum azad panchi hain, islam kuch bhi karenge. हम आज़ाद हैं, हम लज्जा वगैरह का पालन नहीं करते. वैसे यानी कि आप कुत्ते बिल्ली अगर देखें ना, जो गलियों कुछ में जो घूम रहे हैं, उनमें भी लज्जा वगैरह नहीं होती, ना कपड़ों की लज्जा, ना मेटिंग की लज्जा, कहीं पर भी कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, उनमें कोई लज्जा नहीं है. और आजकल की सो कॉल्ड यो मॉडर्न सोसाइटी जो है, उसके अंदर भी कोई लज्जा नहीं होती. लज्जा गाएगी यार, आज़ादी दिल की जियो खुल के. सर लज्जा पालन करना चाहिए. यस, वी एक्सपेक्ट आवर मदर्स एंड आवर सिस्टर्स टू फॉलो लज्जा, राइट. लेकिन इस जगत के बाकी सबसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते. वेल, व्हाई यू फॉलोइंग लज्जा, कम ऑन, लेट्स बी फ्री, लेट्स एंजॉय. या ओहो, लज्जा अच्छी है. या सो लज्जा इज अ क्वालिटी ऑफ मोड ऑफ गुडनेस. सो हमें शर्मो हया होनी चाहिए. वी शुड कवर आवरसेल्व्स प्रॉपरली, वी शुड बिहेव इन अ वे दैट व्हिच इज प्लीजिंग टू अदर पीपल, व्हिच इंस्पायर्स अदर टू लिव
मोर प्योर विद मोर प्योरिटी, सबके मन में एक पवित्रता का भाव आए हमारे बिहेवियर से, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। तो जहाँ लज्जा कम होती है फिर वहाँ लज्जा का मजाक भी उड़ाया जाता है, सो दैट मीन्स, सो दैट इज़ वी शुड टेक केयर ऑफ लज्जा। लज्जा होनी चाहिए, शर्मोहया होनी चाहिए, और ये श्रृंगार है एक्चुअली, विशेष रूप से स्त्रियों के अंदर जो लज्जा होती है, दैट इज़ द ऑर्नमेंट ऑफ अ वुमन। भले ही वो और कोई ऑर्नमेंट्स पहने ना या ना पहने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्नमेंट है लज्जा, सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी। संकल्प, डिटर्मिनेशन, दैट शुड ऑल्सो बी देयर। सो डिटर्मिनेशन के बारे में और चर्चा आई आगे चैप्टर के अंदर, हाउ डिटर्मिनेशन इज इन गुडनेस पैशन इग्नोरेंस, दैट वुड कम इन फ्यूचर, सो बट डिटर्मिनेशन शुड बी देयर। तेज, इफल्जेंस, इलस्ट्रियस पर्सनैलिटी वो भी होना चाहिए। क्षमा, फॉरगिवनेस, क्षमा करना जो है बेसिकली, क्षमा करना इज अ गिफ्ट विच यू गिव टू आवर ओन सेल्स। हम जो किसी को क्षमा करते हैं ना, सामने वाले का कुछ हो ना हो, हमको ठंड पै जाती है, यार माफ़ किया ना, ठंड पै गई, तो दैट इज वी बिकम सेटल्ड बाय फॉरगिविंग। चल यार माफ़ किया यार, तूने आरोप लगाए थे मेरे ऊपर झूठे बूटे, कोई नहीं माफ़ किया, ये हो गया। पर इसका फायदा किसको होगा, सामने वाले को, आपको, आपको होता है भाई। वी बिकम मोर सात्विक, वी आर एबल टू डू थिंग्स नॉर्मली व्हेन वी आर नॉट हैविंग एनी ग्रज। फॉरगिव, क्षमा कर देना चाहिए जी, यस। धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, एवरीथिंग टेक्स टाइम, सो इसीलिए धैर्य होना चाहिए, एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक टाइम, ओके, एनीथिंग विच इज ग्रेजुअल इज सब्सटेंशियल, तो इसीलिए धैर्य होना चाहिए। पवित्रता, प्योरिटी, इन एक्सटर्नल प्योरिटी भी होनी चाहिए, वी शुड टेक रेगुलर टेक बाथ, स्नान करना चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वी शुड टेक बाथ। सो बाहर की पवित्रता और हृदय की पवित्रता, पवित्रता भी होनी चाहिए। मन की पवित्रता होगी कैसे भाई, चैनिंग हरे कृष्णा, सो अंदर की पवित्रता भी होगी, बाहर की पवित्रता भी होगी, सो दैट्स आल्सो रिक्वायर्ड। ईर्ष्या से मुक्ति, ईर्ष्या, तो हम किसी को आगे बढ़ता देखते हैं तो अच्छा लगता है, यार ये कैसे बढ़ रहा है यार, ही डजंट डिजर्व दैट मैन, ही डजंट डिजर्व दिस फेम, ही डजंट डिजर्व दिस स्ट्रेंथ, he doesn't deserve this power, he doesn't deserve this knowledge, he doesn't deserve it. envy, irsha, do cheez hoti hai, ek hoti hai irsha, ek hota hai dvesh, in dono farak kya hai, ek hai irsha, ek hota hai dvesh, in dono wala farak kya hai, dono kafi milte hote hain, dono bhai behne waise to, theek hai ji, dvesh kya hota hai, in case if I have got मान लीजिए 2 cups ऑफ मैंगो शेक और सामने वाले को मिल गए हैं 3 cups ऑफ मैंगो शेक, तो मैं बोलूं यार ये क्या बात है भाई, मेरे को 2, इसको 3, ये क्या बात है भाई, गलत बात है ये, तो इसको बोलते हैं द्वेष, ठीक है जी। अच्छा ईर्ष्या क्या होती है, मेरे पास है 3 cups ऑफ मैंगो शेक और सामने वाले के पास हैं 2 cups ऑफ मैंगो शेक, मैं बोलूं इसको 2 भी क्यों मिले हैं, इसको 2 भी नहीं मिलने चाहिए, इसको बोलते हैं ईर्ष्या, ठीक है जी। सो व्हेन आई हैव 2, अदर पर्सन हैज 3, मैं कहूंगा उसको 3 दे दिए, हमें 2 क्यों, द्वेष। ईर्ष्या में क्या, मेरे पास 3 है, ज्यादा है मेरे पास, सामने के पास 2 है, इसको 2 भी क्यों दिए इसको, दैट्स ईर्ष्या। तो ईर्ष्या ज्यादा काली होती है, दैट इज डार्कर देन द्वेष। बड़ी बहन है द्वेष की, ठीक है, छोटा भाई है, सो ईर्ष्या इज डार्कर। सो हमें ईर्ष्या से जो है उससे मुक्ति होनी चाहिए, और साथ में क्या है, मान सम्मान की अभिलाषा, ये ईर्ष्या से कनेक्टेड ही है। ईर्ष्या द्वेष जब ये होता है ना, तुम्हारी भी चरित्र में हमारे भी सम्मान हो, नहीं तो हम क्या अरे गहरे थू खा रहे हैं क्या, नहीं हमने क्या कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया क्या, सम्मान हमें मिलना चाहिए यार, हम बताया रोज गुड मॉर्निंग करता, आज गुड मॉर्निंग नहीं किया उसने, अरे इतनी सी बातें फंस गए साहब, अरे 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 मान सम्मान की अभिलाषा किसको नहीं रहती, बड़े बड़ों को रहती है। इवन जब किसी दान मांगा जाता है, कहते दान हम देंगे, हम मान सम्मान मिल जाए थोड़ा सा, अब नाम अनाउंस कर देंगे हमारा कुछ, हाँ यस, तो दैट फेज मान सम्मान की जो इच्छा है इसकी अभिलाषा तो अच्छों अच्छों को रहती है जी, अरे मान सम्मान बढ़ जाए हमारा, हम भी आपका मान देंगे, लेकिन हमारा मान भी जरूर होना चाहिए, आवर रिस्पेक्ट शुड ऑल्सो बी देयर, यस। सो मान सम्मान की अभिलाषा, इससे भी मुक्ति होनी चाहिए, दैट इज सात्विक क्वालिटी। ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, सो दीज आर क्वालिटीज विच वी शुड कल्टीवेट,
यस ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं. ओके, हे प्रथा पुत्र, दंभ, दर्प, अहिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं. ओके, डिवाइन क्वालिटीज हमने डिस्कस कर ली, और फिर वो भी डिस्कस करें जो कि इस दुनिया में ज़्यादातर पाई जाती हैं. कौन सी क्वालिटीज हैं? दंभ. दंभ का मतलब होता है मैं बाहर से पोर्ट्रे करूँ जब मैं बहुत धार्मिक हूँ, पर अंदर से आई एम मटेरियलिस्टिक. सो दैट इज़ अ डिज़ायर फॉर रिस्पेक्ट इवन दो आई डोंट डिजर्व इट. तो बाहर से रिलीजियस प्रतीत कराना, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, अंदर से माल तो बढ़िया है वैसे, ए वो किन की बेटी है, नमस्कार ये नमस्कार, दम्भ है ये, दम्भ है, बाहर से कितने सज्जन पुरुष हैं, अंदर ये बदमाश हैं, इसको बोलते हैं दम्भ. एंड द नेक्स्ट क्वालिटी इज दर्प. दर्प का मतलब होता है प्राइड, प्राइड ऑफ नॉलेज, वेल्थ, हम भी कुछ खास हैं. और ऐसे लोग इतने रूखे सूखे होते, कभी मिल लो उनसे, गुड मॉर्निंग सर, बिकॉज आई हैव गॉट प्राइड फॉर माई वेल्थ. यस. और ऐसे लोग सुनते उनते भी नहीं है जिनको प्राइड होती है ना, दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दैट दे आर वेरी वेल्दी, आपकी बात बीच में काट देंगे. सर हम आपको बता रहे थे, कट सर, एक्चुअली द पॉइंट कट, दे डू नॉट लिसन बिकॉज प्राइड इज रूलिंग देयर हेड. तो इसलिए ऐसे लोगों को एजुकेट भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है. इन लोगों इसलिए दुआ मांग सकते हैं, भगवान इनको बुद्धि दो. अभिमान. अभिमान का मतलब होता है अभिमान, मतलब कि मेरा मान सम्मान बढ़े. ठीक है, सो दैट इज अभिमान. जो मेरे पास है उसका घमंड, भले इतना सा भी होना, घमंड है उसका. जैसे एक बार एक भिखारी था, उसने दूसरे भिखारी से अपनी बेटी की शादी कराई, तो जिससे शादी हुई उसने कहा सर कुछ दहेज में क्या, कह रहा भाई ये प्लेटफॉर्म आज से तेरा है. ठीक है जी, तू उस प्लेटफॉर्म में भी मांगता था ना, मैं इस प्लेटफॉर्म मांगता था, आज से ये प्लेटफॉर्म में तेरे को देता हूँ, तू भी क्या याद करेगा. वो लो जी, इस बात का अभिमान है भाई साहब कि वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर भी मांगते हैं. सो पीपल कैन हैव प्राइड फॉर एनी थिंग, अभिमान, दैट्स ऑल्सो देयर. ठीक है जी. ओके, एरोगेंस, क्रोध, एंगर, छोटी छोटी बात पे गुस्सा. Anger is very, very, it's really an enemy for the relationships. Anger aata kab hai? When frustrations are, when there is frustration of our desires, hamari ichhaon ki poorti nahi hoti, then we become angry. Krodh. Kathorta. This is basically cruelty. That's also quality of jo log aasi pravritti ke hote hain. Bhale tangne tod lenge. It's so nice, you know. I like eating meat of beef, you know, the cow flesh, I love it. Red flesh or red meat is so good. Sir, aapko daya nahi aa rahi. What daya, man? They are meant to be eaten, you know. Cruelty. Phew. Agyan, ignorance, that's also quality. Aise log educate karna chahe agar sir aapki agyan to. Come on, man. What you can educate, huh? I know everything, you know. I'm PhD from such and such university. I'm so qualified, you know. I've done my MD and MS from such and such organizations, from such and such university. What you can educate? हमने क्या धूप में बात सफेद की है जी? अरे हम सब जानते हैं, यही अज्ञानता है सर. So these are the qualities of the people who are having demonic qualities. So इसमें अगर qualities हमारे अंदर हैं, उसको कम करने का भाई, spiritual world में जाने का ना, तो ये कम करने का है. दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं. तो अब ये हमने दोनों को अभी चर्चा जो की है. हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त हो. मैं अर्जुन के मन में आ सकता है ना, भगवान अब कह रहे हैं ये एंगर करना और एक क्रुएल्टी करना, मैं भी द्रोणाचार्य भीष्म पितामह तीर चलाऊंगा, क्या ये क्रुएल्टी वाली बात नहीं है? तो फिर मैं भी तो फिर राक्षसी क्वालिटी वाला ही हुआ ना, मेरे अंदर भी तो डिमोनिक क्वालिटीज हैं. भगवान कह रहे हैं नहीं चिंता मत करो अर्जुन, आई एम जस्ट अश्योरिंग यू, मैं तुमको बताया डिमोनिक क्वालिटीज के बारे में, डिवाइन क्वालिटीज के बारे में, बट यू आर नॉट इन वन ऑफ देम. ठीक है, यू आर हैविंग डिवाइन क्वालिटीज इन यू. Alright, हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी. दो प्रकार के, दोनों तरह के मिलते हैं इस संसार के अंदर लोग. मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो. पहला श्लोक किया था इन डिटेल भगवान ने, उसमें बताया कि वट आर द डिवाइन क्वालिटीज. अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दी भगवान ने डिमोनिक क्वालिटीज, अभी ये बदमाश और क्या करते हैं, सो वी आर टू सी दैट. सो भगवान अब वो बताएंगे. जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, उनको पता ही नहीं होता, होश ही नहीं उनको. सर स्पिरिचुअलिटी वाइज आई डोंट थिंक, अभी ये टाइम है हमारे पास, देखिए वी हैव गॉट सो मेनी थिंग्स टू डू, कम ऑन प्लीज, वी आर सो बिजी, यू नो वी आर सो बिजी, उनको पता नहीं होता लाइफ में करना क्या है.
लेकिन उपाख्यान उपदेश हमारे आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, ही गिव्स वेरी नाइस एग्जांपल। एक व्यक्ति था, उसने बहुत भूख लगी हुई थी, उसने क्या किया, पेड़ को जाकर पकड़ लिया और पेड़ को दबा दिया, क्योंकि पेट को दबा दो ना तो भूख थोड़े समय के लिए मिट जाती है। जैसे कई बार गरीब लोग जब भूख लगी होती है तो गीला कपड़ा बांध देते पेट के ऊपर लग जाए, तो इसीलिए उसने भी क्या किया, जाके वृक्ष को उसने पकड़ लिया, पेट को दबा दिया उसने। तो ये व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, उसने क्या देखा, अरे भाई पेड़ को पकड़े हुए हो, क्या हो गया? कहता कुछ नहीं कुछ नहीं, बिजी हूँ। कहता अच्छा यार पराठे लाया हूँ, कुछ खाओगे? मक्की की रोटी सरसों का साथ, साथ में मीठी लस्सी पियोगे? तो इस व्यक्ति ने बोला नहीं नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ ना, तो मैं खा नहीं पाऊंगा, यू प्लीज कंटिन्यू, आई एम वेरी बिजी है ना। भाई तू पेट की आग बुझानी तेरे को, तो तेरे को क्या करना चाहिए, यू शुड ईट दैट सरसों का साग, मक्की की रोटी, लस्सी, मीठी लस्सी, वाओ यार डेडली कॉम्बिनेशन मैन, अमेजिंग, तेरी भूख मिट जाएगी। वो आर्टिफिशियल तरीके से लगा हुआ है। इस तरह संसार के अंदर ये जो स्पिरिचुअलिटी है, इसको अपनाएंगे, वी विल बी सेटिस्फाइड, हमारी सारी भूख मिट जाएगी। पर लोग आर्टिफिशियल तरीके से उसको लगे हुए हैं, उसको बाय दिस बाय दैट बाय टोना टोटका, बाय मोटिवेशनल स्पीकर्स, झूठी सांत्वना, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, उससे ये लेकर के दबा करके रखे हुए हैं फॉर सम पैचअप सोल्यूशंस। ये सारे पैचअप सोल्यूशंस हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। परमानेंट सोल्यूशन है भक्ति, वो करेंगे नहीं, तो करना क्या है नहीं पता, क्या नहीं करना चाहिए वो भी नहीं पता, तो जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं, और जो करना चाहिए उसके बारे में होश नहीं है। एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ द पीपल हु आर डिमोनियक। ओके, उनमें ना तो पवित्रता, नहाते धोते ये है नहीं, खाना भी कभी खाएंगे तो हाथ धोएंगे, अब खाना खाया माई हैंड्स आर क्लीन, यू नो, या दे आर क्लीन सर, इसको पानी से धो लीजिए आप, ये हाथ झूठे हैं, झूठा वूटा कुछ नहीं होता जी, झूठा वूटा कुछ नहीं होता है, खाना होता है बस, हाथ साफ है, ये देखिए, हाँ, लाइक आफ्टर पासिंग स्टूल वन शुड टेक बाथ एक्चुअली। अब कितने लोग हैं एक्चुअली, दे पास स्टूल एंड दे कम आउट एंड दे डोंट टेक बाथ एट ऑल। पहले एक वैदिक कल्चर था, पीपल वुड टेक बाथ, अभी कोई स्नान नहीं करता, बाहर आएंगे, सर ने स्नान किया, स्नान वेल, आई एम क्लीन, जस्ट सी, आई एम ओके, क्या सर नहाना चाहिए, पेट साफ करने के बाद ना, आफ्टर पासिंग स्टूल वन शुड टेक बाथ। अरे भाई, इनमें ना तो पवित्रता होती है, ना भारी पवित्रता, ना हृदय की पवित्रता, भावनाएं पूछो नहीं कैसी कैसी भावनाएं होती हैं। ओके, ना उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है इनके अंदर, ना इनके अंदर उचित आचरण भी होता है। अरे मैं वंस आई वाज ट्रैवलिंग इन मेट्रो ट्रेन, और मेरे आगे जो है ये लड़का लड़की दोनों बैठे हुए, हाथ में हाथ डाल करके एक दूसरे को देख रहे हैं, हाँ या तुम भी ना, ये ना, वो ना, अरे कलो जी। पहले कम से कम लोग ना कभी साधु संत को देखते थे ना, देवर से ओ संत महात्मा जी आ गए, बट देवर कंटिन्यू, मैंने कहा चलो ठीक है, दे कंटिन्यू तो हम भी कंटिन्यू, तो मैं उनके बगल में जाकर खड़ा हो गया, सामने खड़ा हो गया, देवर सिटिंग नाउ हेयर, आई स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अब जो लड़की थी वो शी वाज कल्चर्ड, तो उसने कहा नहीं नहीं अभी ना ये इस कौन के भगत जी आ गए हैं, छोड़ो ना, अभी बाद में बात करेंगे हम। पर लेकिन आचरण कैसा होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है आजकल, दे डू नॉट नो अबाउट दैट। और क्या है, ना ही इनमें सत्य पाया जाता है, किस प्रकार से सत्य को तोड़ना है मरोना है, कलयुग वाले तो इसमें एक्सपर्ट है। ओ भाई साहब, इसमें सबसे बड़ा जिम्मा लिया है मीडिया ने, सच को उजागर करता मीडिया, बिका हुआ है मीडिया एक्चुअली, मिशनरीज को बिका हुआ है, भौतिकवादी लोगों को बिका हुआ है, देर आर पीपल हु दे क्रिएट न्यूज सो दैट दे कैन सेंसेशनलाइज देमसेल्व्स। तो इसीलिए सत्य को जितना ज़्यादा तरोड़ता मरोड़ता है मीडिया, उतना कोई नहीं करता एक्चुअली, तो इसलिए सत्य का अपमान करने की जिम्मेदारी किसने लिया है, मीडिया ने लिया हुआ है। ओके, ऑलराइट, वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, ये जगत क्या है जी, मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक है जी, तो जगत क्या है, वो तो मिथ्या है, असत्यम प्रतिष्ठम, ये संसार क्या, असत्यम, ये असल में असत्य नहीं है, भगवान की ये सृष्टि है, टेम्परेरी है, बदलती रहती है, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। जैसे हमने जो ट्री को जो चर्चा की थी, तो बिकॉज इट इज़ टेम्परेरी सो इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, या चेंजिंग है, ये बदलती रहती है, लेकिन हाँ है, टेम्परेरी है लेकिन है। लेकिन जो लोग आंसू होते कहते हैं अरे व्हाट्स दिस मैन, दिस वर्ल्ड इज जस्ट मेंट फॉर एंजॉयमेंट मैन, इसका कोई आधार नहीं है, ठीक है, वैसे तो ये मिथ्या मानते हैं, जो इसको एंजॉयमेंट का प्लेस मानते हैं दैट इज भौतिकवादी, दैट इज मटेरियलिस्टिक पीपल, और जो इम्पर्सनलिस्ट है, निराकारवादी है, वो क्या मानते हैं, इसको कहते हैं मिथ्या है जी जगत, दिस इज नॉन एग्जिस्टेंट। अच्छा भगवान सत्य हैं तो उनकी सृष्टि क्या असत्य होगी, नो, भगवान सत्य हैं तो सृष्टि भी सत्य है उनकी, टेम्परेरी है, ब्रह्म सत्य जगत जगत कह सकते ये अशाश्वत है, या ये कह सकते हैं कि यहाँ एवरीथिंग इज टेम्परेरी हियर, अस्थाई है यहाँ पर, ये कह सकते हैं, लेकिन मिथ्या है, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट, इसका कोई आधार नहीं है भाई, किसने बनाया, अरे कोई आधार नहीं है, बम फूट के बनी है दुनिया, और क्या, नहीं तो बिग बैंग नाम का हुआ था, अच्छा किसने फोड़ा है बम, पता नहीं, अच्छा आरडीएस कौन लाया, पता नहीं, सुतली में आग किसने लगाई, पता नहीं,
मतलब फिर आपको पता क्या है? पता नहीं लो जी। सो दे से दैट इस दुनिया का कोई आधार नहीं है जी, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, निरीश्वरवाद, लाइक बिग बैंग थ्योरी जैसे हो गई, निरीश्वर कहते देयर इज नो गॉड इन कंट्रोल बाबा। और निकालेंगे थ्योरी कौन सी? गॉड पार्टिकल थ्योरी। अच्छा, व्हाट इज दिस गॉड पार्टिकल थ्योरी? वेल देयर वाज वन पार्टिकल नोन एज द हिग्स बोसॉन, दिस पार्टिकल इज वेरी अनस्टेबल इन इट्स कैरेक्टर, इट इज हैविंग इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट प्रेशर, इनफाइनाइट डेंसिटी, सो दैट अंडरवेंट एन एक्सप्लोजन एंड इट हैड हिग्स फील्ड अराउंड इट, सो हिग्स फील्ड गेव द प्रोटॉन द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास द न्यूट्रॉन नो चार्ज ओनली मास एंड इलेक्ट्रॉन्स लॉट ऑफ चार्ज बट लेस मास, दैट इज हिग्स फील्ड एंड देन देयर वाज एक्सप्लोजन दुडुम। अच्छा सर जी, किया किसने सारा हिग्स बोसॉन? कौन लेके आया वहाँ, किसने फिट किया? आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। हम बस पीएचडी करके ऊपरटांग थ्योरी निकालते हैं ताकि सरकार से हमको पैसा मिलता रहे, हमारा पापी पेट भरता रहे, मेरे बी बच्चे खुश रहें, मेरे बच्चे जो है पढ़ाई वढ़ाई करें, आगे बढ़ें, इसलिए हमें कुछ ना कुछ थ्योरी निकालनी होती है जी, क्या करें। तो इसीलिए हिग्स बोसॉन जैसी थ्योरी, नास्तिक थ्योरीज, बिग बैंग थ्योरी निकालते रहते हैं साइंटिस्ट, ताकि कुछ ना कुछ लगे रहेंगे तो सरकार से पैसा मिलता रहेगा, सैलरी आती रहेगी, पापी पेट भरता रहेगा, बस दैट्स इट। सो इसीलिए ये निरीश्वर थ्योरीज लेकर के आते हैं ऐसे फिलोसोफर्स, उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है, दिस वर्ल्ड हैज कम आउट ऑफ लस्ट, दैट्स इट, वाज मैन एंड वुमन, अट्रैक्शन हुआ, दोनों आपस मिले, उसका बच्चे पैदा हुए, बच्चों ने फिर किसी और को चुना, फिर उनमें लस्ट आई आपस में, इन दिस वे द वर्ल्ड इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ लस्ट, दैट्स इट, इज इट लाइक दैट। अच्छा, सूर्य कैसे बना? लस्ट से बना ये? ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब कैसे? लस्ट से बने ये? Why everything is there? Just for lust. There are people who give up lust for the higher pursuits and they are really happy. Yeah? जो कि ऐसे लोग हैं जो कि लust के पीछे भागे जा रहे हैं just to satisfy their lust and they are dissatisfied. Even though they have the best of facilities to enjoy, yet after enjoying it, they remain dissatisfied. That means the purpose of this creation is not to fulfill the lusty desires but to transcend the lusty desires and come to the level of love actually. Okay, काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है जी संसार, और संसार का पर्पज भी क्या है? बस काम इच्छा को पूरा करना। अरे भांगड़ू, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है दुनिया के अंदर। यस, दैट्स इट, लस्ट, लस्ट ही सब कुछ है। नहीं सर, लस्ट है एक रस्ट, इससे बच निकलना है मस्ट, एंड यू शुड कट डाउन दिस लस्ट एंड यू शुड डेवलप लव फॉर कृष्णा, दैट इज अ रियल थिंग एक्चुअली। ऑलराइट, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान नाश करने के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, दिन रात मेहनत चल रही है टू मेक द बेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, क्यों? ताकि हम ऐसे वेपन से पूरी दुनिया को भ्रष्ट कर सकें, पूरी दुनिया को जला कर राख कर सकें। एक्चुअली नाउ द काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वी हैव दे आर नोन एज सुसाइडल वेपन्स, कि भाई अब ये फोड़ करके दुनिया ही खत्म हो जाएगी, कहता हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी कहीं कहीं छोड़ेंगे, अब उस तरह के वेपन्स हैं एक्चुअली। सो यूजिंग इंटेलिजेंस दैट वे इज हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, खतरनाक वेपन्स बनाना, दैट्स रियली क्रेजी। सो इसीलिए ऐसे लोग फिर ऐसे कार्यों में, भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए हैं। ओह, पैथेटिक, लाइक नाउडेज सो मेनी गैजेट्स आर कमिंग, ये गैजेट्स बेसिकली क्या कर रहे हैं? दीज गैजेट्स आर क्रिएटिंग हैवॉक, जैसे आजकल हो गए हैं नो मैन्स बैंक, यानी एक ऐसा बैंक है जिसमें कि कोई एम्प्लॉय नहीं है जी, आप आइए अपना चेक जमा कराइए, आप वहाँ से पैसा निकाल भी सकते हैं, पैसा जमा करा सकते, इट इज़ नो मैन बैंक। लेकिन इससे हो कह रहा है, लग रहा है कि वाओ, दिस इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट द रिजल्ट इज दैट देयर इज मोर अनएम्प्लॉयमेंट, वेन देर इज मोर अनएम्प्लॉयमेंट, फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? उसकी नौकरी तो है नहीं उसके पास, तो चेन स्नैचिंग करेगा, किसी का गला काटेगा, और फिर हम सरकार को कहेंगे सरकार नौकरियां भला क्यों नहीं बना रही, कितने लोगों को रोजगार मिला है। सर, अगर आप ऐसे ऑटोमेट करते रहोगे चीज़ों को तो भला नौकरी कैसे मिलेगी लोगों को? सो दैट मीन्स ऐसे डिमोनियक लोग ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, दे एंगेज इन सच काइंड ऑफ हॉरिबल एक्टिविटीज ऊफ विच क्रिएट न्यूसेंस इन द वर्ल्ड एक्चुअली। ओके, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद में एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म व्रत लिए रहते हैं। अपवित्र जो वस्तु होती है, जैसे फॉर एग्जांपल दारू वारू पीना हो गया, दैट्स इट, कहे भाई दारू पियेंगे यार टेंशन दूर हो जाएगी, भाई बहुत टेंशन हो रही है भाई, लाओ यार दो पैग लगाओ, दैट्स इट, लाइक दैट, दीज काइंड ऑफ पीपल आर देयर। तो इसीलिए क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म व्रत के में लगे रहते हैं, क्षणभंगुर चीज़ें, टेम्परेरी चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, परमानेंट एवर लास्टिंग जो खुशी देने वाली चीज़ है उसके बारे में होश ही नहीं किसी को। सो दीज आर ऑल्सो द क्वालिटीज विच आर डिमोनिक एंड, लेकिन इसमें दुख कौन पाता है? ये व्यक्ति खुद दुख पाता है। ऑल दीज क्वालिटीज दे एक्चुअली द ट्रबल द मोस्ट द पर्सन हिमसेल्फ हु इज विक्टिमाइज बाई दीज क्वालिटीज, ये सबसे ज़्यादा दुखी होता है इन क्वालिटीज के द्वारा। ओके, और क्या होता है जी? उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है,
करना क्या है जीवन में जी, हमको वी आर इन आईटी इंडस्ट्री, आई टी, आई का मतलब इंद्रियां, त्री का मतलब तृप्ति, यस, सो इंद्रिय तृप्ति, यस, दैट्स द इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय को तुष्ट करो बस, कुछ सुंदर देख लो, कुछ बढ़िया खा लो, कुछ मुलायम छू लो, दैट्स जस्ट सेटिस्फाई योर सेंसेस, एस्पेशली द सेक्स लाइफ, द गोल ऑफ लाइफ इज टू एंजॉय सेंसुअलिटी मैन, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की ही है, मेरे नाम की ही है, यस, मेरे लिए तो है ये, चंदन सा बदन, चंचल चितबन, धीरे से तरह ये मुस्काना, मुझे दोष ना देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं इंद्र तृप्ति के पीछे दीवाना, ओ वाओ, बस जीवन करना क्या साहब, हमें यही करना है, फिल्मी गाने गाने हैं और ऊपटांग हरकतें करनी है जीवन के अंदर, एंड दैट्स इट, इज हाउ दे लिव देयर लाइव्स, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर, इच्छाएं कैसी हैं, ये जाल है वास्तव में, इसमें बंदा फंस जाता है, इनमें बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर, दोनों का ही लीन हो जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, हे काम जी, हे क्रोध जी, मैं आपका गुलाम हूं, अब आप जैसा बताएंगे मैं वैसा वैसा करूंगा, तो काम और क्रोध इसके पीछे भागते रहते हैं, काम जब सेटिस्फाई नहीं होता और होना भी नहीं उसने, बिकॉज इट्स लाइक अ फायर, इट्स लाइक अ फायर, जब काम इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या आता है, क्रोध आता है, फिर क्रोध आता है, फिर काम के पीछे फिर भागता है वो, फिर सेटिस्फाई नहीं होती, फिर क्रोध आता है, काम क्रोध, काम क्रोध, काम क्रोध, इसी पीछे दौड़ता रहता है वो, अगर काम पूरा हो गया तो लोभ के पीछे भागेगा, सो इन दिस वे द पर्सन कीप्स रनिंग आफ्टर द डिजायर्स, ओह माय गॉड, सो द गोल इज टू बी लस्टी, यस, लस्ट, अब लस्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है अगर, सो दैट लीड्स टू ग्रीड, और लस्ट अगर सेटिस्फाई नहीं होती अगर, दैट लीड्स टू एंगर, तो इस तरह काम क्रोध लोभ में व्यक्ति जो है घूमता रहता है, हाँ, ग्रीड आई, अगर किसी ने बीच में मेरे से पंगा लिया अगर, हाँ, बेसिकली ये सब क्या है, दिस मद, मत्सर्य, तो दैट फेस अब एंगर, फिर एंगर आता है उसके अंदर, फिर ग्रीड, उसके पीछे फिर और लस्ट के पीछे भागता है फिर वो, ओके, अगर सेटिस्फाई हुआ, मोर ग्रीड, मोर लस्ट के पीछे भागता है फिर वो, नहीं पूरा कर पाता, एंगर, तो इस तरह से व्यक्ति फंस जाता है ये, ओह माय गॉड, सो दैट फेस लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनी इल्यूजन, दे आर लाइक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे होते हैं, से फॉर एग्जाम्पल, ये सर्कल, फिर उसके बाहर का 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 ये सर्कल, सो दिस इज लस्ट, ठीक है जी, ये लस्ट हो गई, दिस इज एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एंड सबसे आखिर में है एनवी, सो दैट इज एंगर के अंदर लस्ट है ऑलरेडी, मेरी भूख की इच्छा फ्रस्ट्रेट हुई, सो लाइक दैट, दैट फेस अगेन एंगर के अंदर क्या है, लस्ट भी है, ग्रीड, ग्रीड के अंदर एंगर भी है, खबरदार जो मेरी इच्छा पूरी ना छोड़ूंगा नहीं बता सकते बड़ा तर्गों में, सो ग्रीड के अंदर एंगर की क्वालिटी भी है, ग्रीड की क्वालिटी भी है, ठीक है जी, प्राइड, प्राइड के अंदर ग्रीड भी है, एंगर भी है, लस्ट भी है, ठीक है, दिस इज लस्ट, ओके, इल्यूजन, भ्रम के अंदर प्राइड भी है, ग्रीड भी है, एंगर भी है और लस्ट भी है, और ईर्ष्या, ये सब ये तो सबका बाप है, ईर्ष्या सबसे, दिस इज द डार्केस्ट क्वालिटी एक्चुअली, दिस इज द डार्केस्ट क्वालिटी, ईर्ष्या, इसके अंदर इल्यूजन भी है, प्राइड भी है, ग्रीड भी है, एंगर भी है, लस्ट भी है, इन दिस वे वन गेट्स कंप्लीटली इल्यूजन बाय लस्ट, एंगर, ग्रीड, पावर, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, यस, ग्रसित रहता है, तो ये जो है ना इच्छाओं का जाल, ये इच्छाएं इन्हीं में ही है, ये किसी इस फ्लेवर की, कोई इस फ्लेवर की, कोई इस फ्लेवर की, कोई कसाटा है तो कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, कोई वनीला फ्लेवर, ये लेकिन इच्छाओं का ये फ्लेवर है, कोई लस्ट फ्लेवर, एंगर फ्लेवर, ग्रीड फ्लेवर, प्राइड फ्लेवर, इल्यूजन फ्लेवर, एनवी फ्लेवर, इसी में व्यक्ति बंध जाता है वो, उफ, ओके, इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह भी करता है, पैसा यार ये इनके प्रकार लाओ, आगे जाके हमारी संतानें खाएंगी, हमारी सात पुश्तें खाएंगी, यस, एष्टी, सपूत और कपूत, ये दो प्रकार के बच्चे होते हैं, अगर सपूत होते ना उनके लिए पैसा छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद कमा लेते हैं, सपूत है ना, कपूतों के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, वो आगे जाके पैसा वेस्ट करते हैं, इसे जो लोग सोचे ना बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर मेरी सात पुश्तें खाएंगी,
सर क्यों नहीं ठल्लागिरी के लिए उनको आप प्रेरित कर रहे हो. सो दैट मीन्स वी शुड नॉट वर्क फॉर द आने वाली जनरेशन, लेट दम वर्क हार्ड. और जो लोग ग्राउंड लेवल से मेहनत करके ऊपर जाते हैं उनमें नैतिकता होती है, उनमें वैल्यूज होती हैं टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट. तो इसीलिए सो दैट फेज जो सोच के बैठे हम सात पुश्तों खिलाएंगे, मूर्ख हैं ऐसे लोग एक्चुअली. तो सपूत और कपूत दोनों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. कपूत वेस्ट करते हैं, सपूत खुद कमा लेते हैं. तो दैट फेज हमें उतना कमाना चाहिए कि बस मरते वक्त हमारे बैंक बैलेंस में जीरो हो अमाउंट. हमारे एक बहुत अच्छे डोनर हैं गौतम जैन जी, बहुत बढ़िया भक्त हैं. और एक बार उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि मरते वक्त जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में रह गया ठीक है, उतना आपने फालतू काम किया. कि इतनी आपने मेहनत की किस लिए लिए, ये देखो ये इतना पैसा रह गया आपके बैंक अकाउंट में, ये फालतू काम किया हमने, दैट्स इट. सो दैट फेज ऐसे लोग फिर धन संग्रह करने के लिए जो होते हैं मटेरियलिस्टिक लोग जो होते हैं, दे डू एनीथिंग, मतलब अवैध कार्य भी करते हैं एक्चुअली. तो सो दैट फेज मरते वक्त कितना पैसा होना चाहिए, जीरो. कहता बस इतना ही कमाना था जी, दैट्स इट, डन. इसे कहा जाता है कि जब बंदा पैदा होता है तो उसके पास लंगोट होती है, लंगोट में कोई जेब होती है नहीं. जब बंदा मरता है तो उसके ऊपर कफन होता है, कफन में कोई जेब होती है नहीं. लेकिन कफन और लंगोट के बीच में हम कुछ पहन लेते हैं जिसमें जेब होती है. एंड देन वी गेट इनटू इल्यूजन, यार पैसा संग्रह करना है, यस मुझे जेबें भरनी है अपनी. सर पहले कपड़े में भी कोई जेब नहीं थी, आखिरी कपड़े में भी कोई जेब नहीं होने वाली. बीच में देर इज इल्यूजन दैट आई हैव गॉट सो मच मनी, आई गॉट सो मच वेल्थ, सो मच एरिस्टोक्रेसी, सो मच असेट्स, यू नो दिस इज दैट दैट, दिस इल्यूजन, ये भ्रम है मेरे भाई. यस, तो इस आसुरी भाव से व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए. अदरवाइज पर्सन इज नॉट हेजिटेटिंग, इवन वो लिसिट है या इलिसिट है, ही कैन डू एनी एक्टिविटी जस्ट टू गेट मनी. मनी इज हनी एंड विद दिस हनी आई विल फीड माय हनी. ऑलराइट, आई क्या होता है जी, आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा. इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा. वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे. मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं ही भोगता हूं तभी इतना भोगता हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है. मैं यज्ञ करूंगा, अगर कभी करता भी है तो यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह से आनंद मनाऊंगा, अगला जन्म भी मैं बढ़िया कर लूंगा. इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति अज्ञानतावश मोहग्रस्त होते रहते हैं. यस, जैसे मोहम्मद अली यूज्ड टू से आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट. मोहम्मद अली, I fly like a bird, I sting like a bee, I am undefeated, Muhammad Ali, Muhammad Ali, Muhammad Ali. But later on when he got the Parkinson's disease, he could not even hold the cup of the coffee cup. I said Muhammad Ali ki baat nahi, ye hum sab ke jeevan ki baat hai. We all go through this. We may have pride, I've got so much wealth, I've got so much strength, this, that. Par samay jo hai na sab ko tod deta hai. Achhe achhe log jo bade shaktishali the, अल्टीमेटली शरीर तो आड़ा टेढ़ा हो करके ये स्खलित होना ही है. दैट्स द नेचर ऑफ दिस बॉडी एक्चुअली, सब कुछ स्खलित हो जाने के लिए. बट दोज हु आर हैविंग डिमोनिक नेचर दे थिंक यस आई एम एंजॉयिंग, आई एम हैविंग फन, यस 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 यस, ये करते करते ये लोग अपनी जिंदगी बिता देते हैं. वेल, और उसके लिए लिसिट इलिसिट का भी नहीं सोचते हैं. दे आर सो प्राउड, ये एरोगेंस, ये खुद भी दुखी रहते हैं क्योंकि दे आर, बिकॉज जितने लोग बहुत यस यस करते हैं उतने ज्यादा दे आर प्रोन टू गेट सफरिंग एज वेल. यानी कोई भी इनको डिस्टर्ब कर सकता है. सो दे आर प्रोन टू गेट डिस्टर्ब. और इनके आसपास के जो लोग होते हैं, ओह इनको पेच कसते रहेंगे, यस हाउ डेयर यू मैन, जस्ट लिसन टू मी. और वो क्या करता है, अपने नीचे लो करता है फिर, और फिर वो अपने नीचे लो करता है. इस तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन इज स्क्रूइंग एवरीवन. लेकिन बाहर से दे आर वेल ड्रेस्ड, यस दे आर वेल ड्रेस्ड, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड खाना, बट दे आर सो मच स्ट्रेस्ड. ओह दे आर वेल ड्रेस्ड बट दे आर स्ट्रेस्ड. एंड दैट्स द नेचर ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट लिविंग एज पर द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इज एक्सपेक्टेड बीइंग इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. सो इसलिए ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ही लिव्स लाइफ इन वेन. ओके, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर के, चिंताएं चिता इतना नहीं जलाती जितने जितना चिंताएं जलाती हैं. बड़े बड़े लोग हैं, चिंताग्रस्त है. आई नो वन पर्सन, ही इज अ मिलियनेयर एक्चुअली, करोड़ों पति है,
पर उनका बेटा जो है ही इज़ हैविंग अफेयर विद अनदर बॉय. ओके, ही एक्सपेक्टेड कि ना मेरा बेटा जो है ही शुड गेट मैरिड टू अ गर्ल, बट अब उनको ये चिंता सता रही, मतलब मेरा बेटा यार ऐसा क्यों निकला, यार क्यों निकला, ऐसा क्यों हो गया भाई, वो दुखी है अब. वगैरह कम ऑन डैड, यू नो आई एम ऑल्सो एंजॉइंग द लाइफ द वे आई वॉन्ट टू बी, कम ऑन. इस बात को लेकर दुखी है तो किसी को दुख है मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, किसी को ये दुख है मेरा पति जो है वो सनकी है, किसको किसको क्या दुख है, किसको कुछ ना कुछ चिंताओं में व्यक्ति मग्न है. अरे दैट्स द वे दे लिव लाइफ, मोरोस सैड डिप्रेस्ड. तो मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाता है. यस, ये इंद्र तृप्ति है बेसिकली, इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, कभी सेटिस्फेक्शन होती है कभी नहीं होती है, होती भी है अगेन गोज टू लस्ट, ये इसी में घूमता रहता है वो, दैट्स इट. और इस प्रकार से और नर्क में गिर जाता है, क्योंकि वो ये नहीं देखता यार मैं इसकी गुलामी जो कर रहा हूँ, मैं इस चक्कर घिन्नी के अंदर जो घूम रहा हूँ, मैं लस्ट एंगर ग्रीड प्राइड एनवी इल्यूजन के अंदर ये मैं घूम रहा हूँ यार, ये मुझे एक चक्कर पता कहाँ लेके जाएगा, दिस चक्कर अल्टीमेटली लीड्स टू हेल. ये बेसिकली है कि चक्रवात है ये, ठीक है जी, ये चक्रवात है, ये अल्टीमेटली कहाँ लेके जाएगा, इन हेल. सो बेसिकली चक्रवात है और इसी चक्रवात के अंदर व्यक्ति घूम जाता है. ओके, अपने को श्रेष्ठ मानने वाला तथा सदैव घमंड करने वाला, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन नहीं करते हुए कभी भी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं. चलो यार तुम भी याद करोगे, करा लो यज्ञ, करा लो जी यज्ञ करा लो, फिर वहां बैठेंगे ऐसे विनीत भाव से, नहीं कि वहां ए पंडित और जल्दी कर रहा है, बहुत टाइम हो गया अब, नहीं दक्षिणा चाहिए नहीं चाहिए, बस तो फिर घमंड के साथ कराएंगे, अभी अगर करा भी लेंगे तो अरे जी हमारे पास सब कुछ है, यज्ञ की जरूरत नहीं है, तो घर वालों ने बोला तो हमने कर लिया. तो कभी नाम मात्र के लिए ये लोग कुछ स्पिरिचुअल रिलीजियस काम भी कर लेते हैं, वो जाएंगे, बट दे हैव नो ह्यूमिलिटी, अकड़ होती एकदम फेक अकड़ है. अंदर इनकी लाइफ में जाके देखे ना, इतने बुरे हाल होते हैं लोगों के, ओह माय गॉड, एकदम घसीटा मार जिंदगी, हॉलो शैलो जिंदगी, खोखली जिंदगी होती है इन लोगों की, लेकिन बाहर से दे अपीयर वेरी कूल एंड काइंड ऑफ स्टिफनेस, एक स्टिफनेस होती है इनके अंदर, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ना अगर ईगो शीगो अगर हो, एरोगेंस हो, घमंड हो, तो इतनी झुक नहीं पाता, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में क्या है, स्टील की रॉड डली हुई है. सर झुक के दिखाइए, नहीं झुक पाता, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में क्या, ये तो वहां तो स्टील की रॉड है जी वहां पर, दैट्स व्हाई. तो इसलिए लोग झुक नहीं पाते किसी आगे, सर कटा सकते हैं लेकिन नहीं, सर झुका सकते नहीं, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी में तो एरोगेंस की, ईगो की, घमंड की रॉड डली हुई है स्टील की, तो इसलिए झुक नहीं पाते सर, तो ऐसे ही रहते हैं लोग. सर सर झुकाएंगे नहीं, नहीं सर लेकिन सर ब्लेड आ रहा सर, तो आने दो फिर, सर झुका नहीं सकते क्योंकि विनम्र नहीं हो पाते ये लोग. सो वन जब क्राइसिस का टाइम आता है लाइफ के अंदर, छकाक गॉन मैन. सो इसीलिए बड़े बड़े 30 मार खां हुए लेकिन अल्टीमेटली 30 मार खा गए कहीं के नहीं रह पाते, बिकॉज एरोगेंस प्राइड, ये घमंड, ये पना, ये मिथ्या प्रतिष्ठा से इससे मोहग्रस्त रहते हैं ये लोग और किसी भी विधान का पालन नहीं करते, कभी कर भी लिया तो एज अ मैटर ऑफ नाम मात्र कर लेते हैं, रिचुअलिस्टिकली दे डू दैट एक्चुअली. मिथ्या अहंकार बल, आई हैव द स्ट्रेंथ मैन, मेरे पास बहुत लोग हैं, कभी किसी ने पंगा लिया ना छोड़ूंगा नहीं, इलाका मेरा ये. बल दर्प, अगेन इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं हम लोग, हैविंग एरोगेंस, काम दैट मीन्स लस्टी डिजायर्स, आई वांट टू एक्सप्लॉइट समथिंग एंड समवन, वो मेरा है और मेरा ही होकर रहेगा. यस, अगर अगर शिद्दत हो तो कायनात ही षडयंत्र रचती है कि आपको उस चीज़ से मिला दे, अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिली कोई बात नहीं, मैं एसिड की बोतल लेकर के उसे छपाक फेंक के मार दूंगा. यस, सो काम, और जो काम पूरा नहीं हुआ था, एंगर, क्रोध से मोहित होकर के आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं ये लोग. तो दिस विल दे क्रिटिसाइज द डिवोटीज, आप लोग क्या कर रहे हैं, ये हैं क्या करते हैं आप. एक बार मुझे एक बार ट्रेन में एक लड़की मिल गई थी, कहती है मैं आप जानती हूँ हरे कृष्ण वाले को, आप लोग हैं कौन वैसे. सो यू आर ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो ट्रेन. मैं कहा क्यों, वो क्या हो गया, व्हाट व्हाट व्हाट्स व्हाट्स रॉन्ग. कहती मैं जानती हूँ इस कौन वाले, आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो आप लोग. मैंने कहा हाँ बात तो सही सही वैसे, देखिए
मेट्रो कितनी बड़ी गाड़ी है और मैं इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, आज आज मैंने आपको लिफ्ट भी दी हुई है, यू शुड से थैंक यू टू मी, राइट? व्हाट नॉनसेंस. तो भक्तों का अपमान भी कर रहे थे ये लोग, भले ही भक्त है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हों, दे हैव गिवन अप देयर करियर जस्ट टू सर्व द सोसाइटी, बट दे वुड इंसल्ट. या तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो धर्म का अनुगमन करने वाले हैं उनके भी इंसल्ट करने में, निंदा करने में दे डोंट हेजिटेट. दैट्स द वे दे आर. ये मुझे याद है, आई वॉज गिविंग अ लेक्चर, तो एक लेडी खड़ी हो गई, कहते आप जैसे लोग, आप जैसे ये धर्म प्रवचन देने वाले लोग, कि आप लोग दीमक हो इस देश में, आप लोग दीमक हो, यू पीपल आर टर्माइट्स. ओके, ऑलराइट. मैंने कहा ऐसा क्यों लगता है आपको दैट वी आर टर्माइट्स? कहते हो क्योंकि आप लोग कपटी होते हो, दम्भी होते हो, आप लोग यू पीपल एरोगेंट, सेल्फिश, यू पीपल एक्सप्लॉयटर्स, आप लोग ये हो वो हो. AK-47 से लगी हुई थी माता जी. मैंने कहा ओके माता जी, आई एम लाइक योर सन, यू नो, एंड यू लाइक माई मदर. तो आपके बेटे के अंदर एक छल हो, कपट हो, दम्भ हो, तो आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे, राइट? शी सैड यस. मैं कहा तो आई एम ऑल्सो लाइक योर सन, राइट? सो सिंस आई एम लाइक योर सन, सो विल यू प्रे फॉर मी, प्लीज़ प्रे टू गॉड कि ना आपका ये जो बेटा है इसमें दम्भ भी है, कपट भी है, सो मेरे से ये सब निकल जाए. विल यू प्रे फॉर मी बिकॉज यू आर लाइक माई मदर एंड आई एम लाइक योर अनक्वालिफाइड सन हु हैज़ कंटेमिनेटेड हार्ट, हु हैज़ गॉट हिपोक्रेसी, एरोगेंस, ईगोटिज्म, आई हैव ऑल ऑफ दैट. So will you pray for me? She was quiet. I go, oh mother, will you pray for me? Will you pray for me? Because I have all of this. Will you pray for me? Okay. I said, thank you very much. So that way, there are people who criticize the religious people because they are somehow having these qualities. But yes, we should pray for them. We should not hate them. We should pray for them, of course. Okay. Jo log irshalu tatha kroor hain. एक्चुअली ईर्षा से ना क्रुएलिटी आती है. ईर्षा में व्यक्ति ना इतना मतलब अंधा हो जाता है. मैंने बताया ना, इट्स द डार्केस्ट क्वालिटी, ईर्षा. सामने वाले का यश फैल रहा है, फेमस हो रहा है, लोग मतलब तारीफें कर रहे हैं उसकी, क्या यार मतलब ऐसा खास है उसके अंदर, अरे मैं जानता हूँ उसको, उसकी औकात क्या है. हाँ तो यार, ईर्षा डार्केस्ट क्वालिटी. और ईर्षा में आकर के व्यक्ति किसी को मारने में भी बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है. सो दैट वेज इट्स तो क्रूर होता है. ये क्रूएल्टी आती कहाँ से है? एनवियसनेस, सच मतलब नैस्टी क्वालिटीज. और नराधम है. नराधम का मतलब होता है, एज वी डिस्कस इन 7th चैप्टर एज वेल, दोज हु हैव टेकन बर्थ इन अ वेरी गुड फैमिली, ब्राह्मणिकल फैमिली, लेकिन फिर भी क्या है, भक्ति नहीं करेंगे लोग. ब्राह्मणिकल फैमिली बट नथिंग, दे वुड नॉट फॉलो ब्राह्मणिकल कल्चर एट ऑल. ऐसे लोग बोलते हैं नराधम, या तुमको इतना अच्छा बहाने जन्म दिया, घर में कल्चर इतना अच्छा था, फिर भी दैट यू इवन देन यू आर नॉट टेकिंग टू डिवोशनल सर्विस टू गॉड. नराधम. या मान लो कोई भक्ति में आता है, अगर आने के बाद बोला उसने, आई डोंट थिंक इट इज प्रैक्टिकल फॉर मी, यू नो, लेट मी गो फॉर समवेयर एल्स नाउ, और भक्ति देवी जो है उनको छोड़ करके व्यक्ति कहीं और चला जाता है, गोइंग टू सम लो क्लास सब रिलीजियस सिस्टम, सब स्पिरिचुअल सिस्टम, उसमें चला जाता है. दैट दीज पीपल आर नराधम एक्चुअली. सो दे आर लोएस्ट ऑफ द मैनकाइंड. उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भवसागर में डालता हूँ. सो कृष्णा इज सेइंग दैट क्या करें, लोग सुधरते हैं नहीं, तो इसलिए उनको वहाँ नीचे डालना पड़ता है ताकि समाज में कम से सभ्यता रहे. क्या वो भाई घमंडी लोग हो, एरोगेंट लोग हो, जाओ भाई तो नीचे हो कहीं घुमाओ, वहाँ तुम्हारी दुनिया में रखी हुई है, वहाँ पर जो करना करो. बट ये मनुष्य सभ्यता जो है, इट इज देयर फॉर कल्टिवेशन ऑफ धर्म, भक्ति. सो दैट फेस पे ऐसे लोगों को भव सागर में जाना पड़ता है, दोज हु आर ड्रिवन बाय दीज क्वालिटीज, डिमोनिक क्वालिटीज. हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं. तो वैसे इनकी होप क्या है असल में? इनकी होप है मर्सी ऑफ डिवोटीज. यस, तो भगवान का भक्त कभी इनको मिल जाएगा ना, और इनके लिए प्रार्थना कर देगा, इनको प्रसाद खिला देगा, दैट इज देयर होप. अदरवाइज जो नीचे जा रहा है, ही गेट्स मोर टेस्ट टू गो इवन लोअर, और टेस्ट मिलता है, और नीचे जाता जाता है. दैट्स अ वे, दिस लाइक अ स्पायरल, यू नो, स्पायरल जो है उसको नीचे लेके जाने वाला है. ये जो लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन का स्पायरल, इट टेक्स अ पर्सन टू द लोएस्ट लेवल एक्चुअली. तो भला ऐसे व्यक्ति की होप क्या है? ऐसे व्यक्ति की होप है डिवोटीज, भगवान के भक्त, जिनका शुरू शुरू में लोग अपमान भी कर रहे थे एक्चुअली, लेकिन डिवोटी इस बात को सहन करता है. एक्चुअली प्रभुपाद जी जब USA गए तो वहाँ पर उन्होंने हिप्पी, जो कि तामसिक लोग हैं एक्चुअली, मैरिजुआना, LSD, इलिसिट सेक्स, रॉक एंड रोल, दैट्स द वे दे आर. श्री प्रभुपाद जी अपने हाथों से इनको प्रसाद खिलाया करते थे, श्री प्रभुपाद जी इनको भगवद्गीता सुनाया करते थे, श्री प्रभुपाद जी इनकी बदतमीजी को झेला करते थे, इनको प्रसाद खिलाने के बाद इनके झूठे बर्तन धोया करते थे. प्रभुपाद जी इनको इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, इनको भक्ति दी, इनको गाइडेंस दी, इनको इंस्पिरेशन दी. तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? दैट दीज हिप्पीज, दे बिकेम सच ग्रेट डिवोटीज, इवन परमहंस डिवोटीज एक्चुअली.
तो इसलिए एक्चुअली जो ये डिमोनिक क्वालिटी का व्यक्ति है, इसका होप है, इसकी कोई होप नहीं है. इज गोइंग टू बी इन दिस स्पाइरल, गोइंग टू हेल. हेलिश लाइफ जीते हैं लोग, क्योंकि संस्कार वैसे ही है. तो संस्कार वाला अपलिफ्ट कौन करेगा? ये दलदल है ना बेसिकली. दलदल से निकाले कौन? द वन हु इज आउटसाइड दलदल. दलदल में जो होता है वो दलदल से बाहर नहीं आ सकता. दलदल के जो बाहर है वो निकाल सकता है. सो द दोज हु आर डिवोटेड टू कृष्णा, दे थ्रो द रोप्स ऑफ हरि नाम, दे थ्रो द रोप्स ऑफ कृष्ण प्रसाद, दे थ्रो द रोप्स ऑफ हरि कथा. ये रोप्स देते हैं एंड देन दे पुल देम आउट. आइए आइए बाहर आ जाइए. बाहर जो खींच रहा है ना उसके ऊपर ही कर रही है, अरे तू क्यों खींच रहा है हमको, अरे तेरी आए, उसी उन्हीं को गाली सुना देंगे ये लोग. बट डिवोटी फिर भी सहन करता रहता है एंड ही पुल्स हिम आउटसाइड. जैसे मान लो कोई पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ाते उड़ाते ना उसको होश ना, पीछे होते 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 एकदम एज पे आ गया वो, ठीक है. तो कोई व्यक्ति दौड़ कर जाए उसकी पतंग काट दे, क्या कर रहा है, कहे तूने क्या किया यार, फिर पतंग काट दी तुम्हारी दम. अरे कहते एक मिनट भाई, तू देख तू खड़ा कहाँ है. ओह माय गॉड. तो भगवान के भक्त जो होते हैं इन लोगों को बचाने वाले, जो गिरने वाले हैं, जो गोइंग टू द लोएस्ट लेवल, जो इनको बचाने वाले हैं, ये उन्हीं को गाली सुनाते हैं. उसके होप है क्या? मर्सी ऑफ डिवोटीज एक्चुअली. ओके, इस नरक के तीन द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ. हियर आर द थ्री गेट्स. वाओ, पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट. यस, तो तीन द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ. प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है. ये है पतन की इंजन. दिस इज द इंजन, इंजन ऑफ सिन, लाइक दैट. तो इसी प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, इस इंजन में घूमता रहता है, एंड फाइनली ये स्पाइरल जो है उसको नीचे की ओर लेकर के जाता है. यस. सही कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वे आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है. सो देयर इज होप. ऐसा नहीं कि स्पाइरल फंस के चला ही जाएगा वो. ना ना, यू शुड अवॉइड दीज गेट्स. और इवन दो दीज गेट्स आर वेरी टेम्पटिंग, बुला रहे होते हैं, आ गले लग जा. लस्ट भी कह रही है, आ गले लग जा. यस, आई विल सेटिस्फाई यू द फुलेस्ट. यस, एंगरी बोलता है, अरे एक बार गुस्सा कर ले, मन को शांति मिल जाएगी. यस यस, निकाल थोड़े गंदे शब्द निकाल तेरे मुंह से. यस, निकाल निकाल निकाल. लोभ भी कह रहा है, अरे यार जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी यार तो तड़पता रहेगा भाई. यस यस, कम एम्ब्रेस मी, आ जा, आ गले लग जा. लस्ट भी कह रही है, एंगर भी कह रहा है, ग्रीड भी कह रही है, आ गले लग जा. तो जितना ज्यादा ये गेट हमें बुलाएंगे, वी गेट एलियो टुवर्ड्स हिम, गए काम से भाई. सो वी शुड नॉट गेट टेम्प्टेड टू एंटर दीज गेट्स. दे आर गेट टू हेल. कन्फर्म टिकट, आरएसी भी नहीं है भाई, कन्फर्म टिकट टू हेल. यस, so that phase इनसे बचना चाहिए. then we can work on आत्म साक्षात्कार, we can work for self realization, because these three are the stumbling blocks on the path of self realization. okay, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है. okay, तो शास्त्रों नहीं मानता, शास्त्र क्या है, they are just mythological text, you know, they are just mythological text. किसने लिख दिया भाई, किसने पोथी लिख दी, तुम क्यों फॉलो कर रहे हो भाई, किसने भाई, और क्या नहीं तो किसी कोई इंसान था, उसके पास नौकरी नहीं थी, उसके पास लिखना शुरू कर दिया उसने, माइथोलॉजिकल टेक्स्ट. सो दे डू नॉट फॉलो द शास्त्रास, अवहेलना करते हैं उनकी, बिकॉज फ्यू थिंग्स दे कांट कनेक्ट टू. ऑफ कोर्स शास्त्रास के अनुसार हम देखते हैं कुछ चीज़ें अभी एप्लीकेबल हैं, कुछ चीज़ें इन अ सर्टन केस एप्लीकेबल होती है, नॉट ऑलवेज. इसके लिए हमें स्पिरिचुअल टीचर्स चाहिए होते हैं, हु कैन एजुकेट अस कि कब किस चीज़ को कहाँ कैसे अप्लाई करना है. सो स्पिरिचुअल टीचर्स के पास जाना चाहिए इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग. तो दैट फेस जो लोग अवहेलना कर देते हैं शास्त्रों के, दिया द मैनुअल्स ऑफ लाइफ. अगर मैंने मैनुअल की अवहेलना करी तो भाई तू जीगा कैसे भाई लाइफ के अंदर, तू बता, राइट. और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं फिर. अगर मैं मोबाइल फ़ोन को मनमाने ढंग से अगर ऑपरेट करता हूँ तो हो गया काम, पता लगा मैंने उसको वॉशिंग मशीन डाल के धो दिया, बड़ा गंदा हो गया, धो दो इसको, खराब हो जाएगा वो. मैनुअल लिखा हुआ उसको भाई, उसको पानी से बचाना है, सनलाइट से बचाना है, उसको बचाना है, पढ़ा ही नहीं भाई मैनुअल तो हमने. जिंदगी का जो मैनुअल है वो है शास्त्र, भगवद्गीता, भागवतम, दे आर द मैनुअल्स ऑफ लाइफ. तो उसकी अवहेलना करते हो तो भाई तुम कहाँ जाओगे यार, फिर इज़ द मैनुअल्स ऑफ लाइफ, गॉड्स वर्ड्स. तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो फिर फॉलो करेंगे, तो अपने मन माने ढंग से फिर ये जीवन जीते हैं. उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति प्राप्ति होती है. इस जगत के अंदर ना सुख प्राप्त होता है, ठीक है जी. अच्छा, आगे बढ़ने के लिए सिद्धि वो ही प्राप्त नहीं होती, और इस जगत के बाद परम गति भूल जाओ, वो तो बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी जी. सो दैट इज स्क्रिप्चर्स, वी शुड फॉलो स्क्रिप्चर्स. एक्चुअली स्क्रिप्चर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्क्रिप्चर्स क्या करते हैं हमारी लाइफ में, दे एक्ट विद 4M लाइफ में.
So 1M stands for map. So the scriptures हैं, they are like the map. ये हमें बताते हैं actually हमें कहाँ चलना है, क्या है चलना है. So ये map पता लगता है कि okay यहाँ शुरुआत है, यहाँ पर end है. Map. The also M stands for model. They model everything through some role models in shastras. When you get to see some of the role models, wow, yaar, inspiration milti hai. When you hear the story of Prahlad Maharaj, inspiration milti hai, yaar, uske papa kitne खतरनाक थे भाई प्रहलाद के, लेकिन फिर भी वो भक्ति कर रहे थे भाई. हमारे पापा इतने खतरनाक थोड़ी है, हम तो वैसे कहते रहते हमारे मम्मी पापा भक्ति नहीं करने दे रहे. यार जितनी प्रतिकूल स्थिति प्रहलाद महाराज की थी, हमारे तो कुछ भी नहीं है यार. सो मॉडल्स मिलते हैं हमें, रोल मॉडल्स मिलते हैं शास्त्रों में. ओके, एम स्टैंड्स फॉर मिरर. तो शास्त्र हैं, दे शो अस द मिरर. मिरर में हम ना देख पाते अपना क्या हाल है यार, बिकॉज शास्त्र हमारी पोल खोल देते हैं. चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवद जन. अरे यार मन बहुत चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी, तो मेरा मन है भाई, ये शास्त्र को पता है. यार ये 16 जो चैप्टर है ना, कई बार व्हेन पीपल रीड दिस चैप्टर कहते हैं यार ये भाई ये तो मेरी क्वालिटी है. तो लिखा यहाँ एरोगेंस है, ईगो है, ईगोटिज्म है, ओके, सेल्फ एब्जॉर्प्शन है. यार ये तो मेरे अंदर है. मिरर, शास्त्रास आर लाइक द मिरर. ऐसे पोल पट्टी खोल कर देते हैं हमारे शास्त्र. सो दे आर लाइक द मिरर. M stands for muscle. इनको पढ़ करके हमें शक्ति मिलती है एक्चुअली टू मेक द राइट choices. एजुकेशन नहीं थी यार, गलत choices करता रहा मैं. यस, पर ना शास्त्र पढ़ करके इंस्पिरेशन मिलती है, मसल्स बनते हैं टू मेक द राइट choice. सो दैट इज ये 4 M's हैं ऑफ द शास्त्रास. ये हमें बेनिफिट मिलते हैं एक्चुअली. पर जो शास्त्र अवेला कर देगा उसके पास मैप है नहीं, रोल मॉडल्स भी नहीं है इंस्पिरेशन के लिए, खुद के बारे में समझ नहीं पा रहा है, देयर इज नो मिरर, उसका मसल्स भी नहीं, कमजोर रहेगा वो, आत्मबल नहीं होता ऐसे लोगों के पास. सो इसीलिए दैट फेज ये हमें फॉलो करने चाहिए. पर ये आती किससे है, बाय रीडिंग शास्त्रास, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो जो लोग शास्त्र फॉलो नहीं करते ना सिद्धि मिलती है ना सुख मिलता है ऐसे लोगों को, ना परम गति की प्राप्ति हो पाती है. ऑलराइट, सो नाउ दिस इज द लास्ट वर्स. यस, दिस वन इज द लास्ट वर्स. अतः मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है. उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके. शास्त्रों का पालन करना चाहिए एक्चुअली, नहीं तो लोग क्या करते हैं अपने विधि विधान बना लेते हैं अपने अनुसार, कैसा ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं. यार तेरहवीं कौन करेगा यार, चौथा करके अपना काम चला लेते हैं और क्या, नहीं तो. सो लोग अपने हिसाब से विधि विधान निकाल लेते हैं पर उसकी वैल्यू नहीं होती. जैसे कई लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, बच्चे लोग कहते क्रिकेट से खेलने, कहते यार गली क्रिकेट जैसे होता है, कहते ठीक ऐसा करते हैं देखा, अगर तो ना वो खिड़की पर लगी तो 2 रन, ठीक है नाली में गई तो -1, और 1-1 एंड आउट है. अगर एक टिप्पा पड़कर एक हाथ से पकड़ लिया ना तो वो आउट माना जाएगा, ठीक है ना. और 3 बॉडी टच आउट माना जाएगा, 3 बार बॉल अगर बॉडी को टच होगी तो आउट माना जाएगा, ठीक है. और अगर किसी की बालकनी में गई ना तो आउट है यार, ठीक है. अच्छा सामने वाली जो रोड है अगर उसको पार कर जाएगी तो चौका है और उसी का चौका छक्का माना जाएगा, ठीक है. तो यार ये रूल हो गया भाई हमारे गली क्रिकेट के, ठीक है जी. अब गली क्रिकेट जो है हम भले ही खेल लें, अब गली क्रिकेट के जो रूल हैं ये ICC बोर्ड ने बनाया नहीं, हम लोगों ने बनाए हैं, राइट. तो इसीलिए होता क्या है, कभी कभी हम अपने विधि विधानों के अनुसार रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होते हैं, बट दैट डजंट हैव एनी वैल्यू एक्चुअली. तो हमें वी आर टू फॉलो द शास्त्रास, राइट. अपने हिसाब से विधि विधान बनाएंगे, देन वी मे प्लीज आवर ओन सेंसेस, आवर ओन माइंड, कि हाँ जी रहे हैं वही जी रहे हैं. सो दैट्स लाइक गली क्रिकेट, मीनिंगलेस एक्चुअली. सो दैट इज वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द शास्त्रास. तो हम तब समझ पाएंगे हमारा कर्तव्य क्या है, क्या कर्तव्य नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए. और शास्त्र से मुझे पता लगेगा भाई रास्ता कहाँ है, मैं कहाँ पर हूँ, पहुँचना कहाँ पर है. मॉडल, हमारे रोल मॉडल्स हैं, राइट. ऑल्सो देयर इज 3D मॉडल, उसे पता लगता है कि पहाड़ी कहाँ से आएगी, नदी कैसे आएगी, नदी पार कैसे करनी है. तो दैट वे वी गेट अ नाइस ओवरव्यू, द 3D मॉडल भी होता है. सो दैट्स ऑल्सो देयर, रोल मॉडल्स मिलते हैं हमें. मिरर, अपनी शक्ल पता लगती है कौन भाई, हम कहाँ गलती कर रहे हैं यार, कहाँ फंसे हुए हम लोग भाई. And muscles. So इसीलिए that is all of this is attained by reading the shastras. So what is the root cause of all of this actually? Ignorance. Ignorance को बोला क्या क्या काटेगी? Knowledge. Divine knowledge. Divine knowledge कहाँ से आती है जी? Shastras. Yes. Shastras. तो शास्त्र पढ़ेंगे हम लोग, देन वी कैन टेक एडवांटेज एंड वी कैन लिव लाइफ नॉर्मली. देन वी कैन नो, वी कैन इंट्रोस्पेक्ट, ओके मैं मुझे इस जंजाल में नहीं फंसना है, इस स्पाइरल में नहीं फंसना जो मुझे नरक की ओर लेके जाएगा. देन वी कैन सेव आवरसेल्व्स. ऑलराइट, आई थिंक दिस वाज द लास्ट वर्ड्स. यस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, राम हरे हरे.
Thank you very much. Hare Krishna. All right. So, dear listeners, for a systematic course on spirituality, you can register. Yes, the name of the course is Spirituality for Modern Age, SMA. तो इसके लिए आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, www.revivingvalues.com, और वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं. पैसा कितना? एब्सोल्युटली फ्री. और हर एक सेशन के साथ होगा एक Q&A, तो सेशन प्लस Q&A पर वीक आपके लिए होगा. सो सेशन होंगे, उसके बाद देन यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस एंड देन वी वुड आंसर देम. और आप उन सेशंस को बाद में भी सुन सकते हैं अगर आप उस वक्त अवेलेबल नहीं हो पाए. That's understood. That's absolutely okay. उसको बाद में भी आप सुन सकते हैं. So please go and register for Spirituality for Modern Age, revivingvalues.com. Registration is absolutely free. Hare Krishna. So see you there.